हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वोकैब की। ये होगा वोकैब का पार्ट 5 और ये सभी वोकैब जो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं वो ली है मैंने राजेश्वरी पब्लिकेशन बुक से। इस बुक में जो वोकैब को याद कराने का जो तरीका है वो है निमोनिक मैथड। आज हम वर्डों को याद करेंगे निमोनिक मैथड के द्वारा। एक एक वर्ड को रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ हम कनेक्ट करेंगे और उसे याद करेंगे। ये मेथड बाहर की काफ़ी सारी कंट्री में अपनाया जा चुका है, अडॉप्ट करा जा चुका है और दिल्ली के काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूट में वोकैब को इसी के माध्यम से इसी ट्रिक के द्वारा याद करवाया जा रहा है। अगर आपके पास ये बुक है, आपने परचेज कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर फोकस करिए। इस बुक में वही क्वेश्चंस, वही वोकैब दी गई है जो आपके एसएससी एग्जाम में कई बार पूछी गई है और बैंकिंग के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। वैसे मैक्सिमम 90% जो वोकैब है वो एसएससी की वोकैब है इस बुक में और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करा गया है एक एक वोकैब को। अगर आप चाहें तो ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आपके नियर में कोई भी मार्केट है आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जहां से बेस्ट लगे वहां से परचेज करिए। अगर आपको कहीं से भी परचेज नहीं करनी है, भाई हमको तो कहीं से परचेज नहीं करनी है, तो आप राजेश्वरी पब्लिकेशंस की जो वोकैब है उस प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहां पर आपको इस सभी वोकैब के वीडियो मिल जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ अपना पार्ट 5 वोकैब, पार्ट नंबर ये 5 होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए पहला जो वर्ड है वो है इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का मतलब होता है निंदा करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। आप याद रखिएगा इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, निंदा करना या आरोप लगाना। इसको देखो याद करने की जो की है इनवेक्टिव, देखिए आई एन से बना इनवेक्टिव, वी ई सी टी आई वी, ये क्या होगा व्यक्तिव। व्यक्तिव का मतलब व्यक्ति। इन व्यक्ति का काम क्या होता है, इन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है। कहते हैं कि अगर गैंग में कोई क्राइम करा जाए, किसी ने ग्रुप में अगर कोई क्राइम करा तो क्या होगा, इन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने बैंक में रॉबरी करी है, बैंक में चोरी करी है। इन व्यक्ति, इन व्यक्ति का काम ही क्या है, आरोप लगाना। आप इस तरह से याद कर लीजिए, इन व्यक्ति को कोई काम धाम तो होता नहीं है, ये अपनी वाइफ पर हमेशा क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उनकी बुराई करते हैं। तो इस तरह से आप लोग वर्ड को याद कर सकते हैं। अपने कोई भी निमोनिक एग्जाम्पल की वर्ड अपने आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुद से जनरेट कर रहे हैं, ये स्किल्स अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो इस तरह से आप देखिएगा आपके वर्डों को याद करने की समय सीमा बढ़ जाएगी। अगला जो है इसका सिनोनिमस अगर हम याद करें तो सिनोनिमस इसका होगा आपका एक्यूसेशंस, ब्लेम, एंटोनिमस इसका होता है प्रेज एंड फ्लैटरी। प्रेज एंड फ्लैटरी क्या होता है इसका एंटोनिमस। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं लियाजन। लियाजन का मतलब होता है अवैध संबंध, ठीक है, इसका अर्थ होता है अवैध संबंध। की वर्ड इसका लायजन, लायजन से बना है लायजन। एग्जाम्पल है लाए हुए मजदूर पर अवैध संबंध का आरोप है। जो लाया हुआ संबंध है उसके ऊपर क्या है, एक अवैध संबंध का आरोप है। सिनोनिमस इसका होगा एम्योर एंड अफेयर, एंटोनिमस फेयर एंड ऑनेस्ट। वर्ड नंबर 3 रेप्रोचमेंट या रेप्रोचमेंट, इसका अर्थ होता है दोस्ती या मेल मिलाप। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्ती या मेल मिलाप। इसका सिनोनिमस होगा हारमोनी एंड एग्रीमेंट, एंटोनिमस होगा इसका ट्रबल एंड अपसेट। सिनोनिमस क्या होगा इसका, हारमोनी एंड एग्रीमेंट, और एंटोनिमस इसका होगा ट्रबल एंड अपसेट। वर्ड नंबर 4 स्टेरियोटिपाइड, इसका अर्थ होता है घिसा पिटा, मतलब घिसी पिटी बात बार बार कोई इंसान रिपीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेरियोटिपाइड। कीवर्ड है इसका स्टार टाइप। स्टार टाइप के स्टाइल उतारने का आइडिया, स्टार टाइप के स्टाइल उतारने का आइडिया जो है घिसा पिटा है। सिनोनिमस इसका होगा स्टेल एंड बैनल, एंटोनिमस होगा इसका डिससिमिलर एंड फ्रेश। वर्ड नंबर 5 टोपोग्राफी, बहुत अच्छा वर्ड है टोपोग्राफी। किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को हम बोलते हैं टोपोग्राफी।
टोपोग्राफी में किसका अध्ययन करा जाता है, किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो इसका कीवर्ड है टॉप ग्राफ। एग्जाम्पल, टॉप पर बैठकर वह ग्राफ बनाकर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति बता रही है। सिनोनिम्स इसका होगा डोमेन एंड फॉर्म, एंटोनिम्स इसका होगा स्काई। वर्ड नंबर 6, एवेसिव। एवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण या टालने वाला। इसका अर्थ होता है इवासिव। ईवा ने शिव के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया। ईवा ने, ईवा एक व्यक्ति का नाम था, उसने क्या करा शिव के साथ में, क्या करा, कपटपूर्ण व्यवहार करा, उसको चीट करा। साथ में बिजनेस ओपन करेंगे, कहाँ होगा उससे, और बाद में क्या करा उसने बिजनेस में, उसको जो उसका पार्टनर था उसको अपने बिजनेस से बाहर निकाल दिया चीटिंग के द्वारा। एंटोनिम्स इसका होगा ऑनेस्ट एंड रेडी। सिनोनिम्स इसका होगा एम्बिजियस। वर्ड नंबर 8 है अनविटिंग। अनविटिंग का मतलब होता है अनजाने में। अनविटिंग का अर्थ क्या होता है, अनजाने में। कीवर्ड है इसका अनुवेट। कीवर्ड क्या है इसका, अनुवेट। एग्जाम्पल, अनु का वेट अनजाने में कम हो गया। अनु का वेट क्या हो गया, अनजाने में क्या हो गया, कम हो गया। सिनोनिम्स इसका होगा चांस एंड अनअवेयर। एंटोनिम्स इसका होगा अटेंटिव एंड विटिंग। वर्ड नंबर 9, बिहूव। बिहूव का मतलब होता है योग्य होना। बिहूव का मतलब क्या होता है, योग्य होना। की बड़े इसका बिहेव। बिहेव का अर्थ होता है व्यवहार। जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसका योग्य होना तय है। जिसका नेचर काफी पोलाइट होगा, सॉफ्ट होगा, बड़ी तमीज से बात करता होगा, तो क्या होता है उसका योग्य होना बिल्कुल ही निश्चित है। बिहूव, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब योग्य होना। वर्ड नंबर 10, कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है नियमित यात्रा या बदलना। कीवर्ड है इसका कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है शांत। एग्जाम्पल, कम्यूट रहे आपका जीवन, इसलिए आपको नियमित यात्रा करनी चाहिए। सिनोनिम्स इसका होगा ड्राइव, गो बैक एंड फोर्थ, एंटोनिम्स कीप एंड इंक्रीज। वर्ड नंबर 11, गाउची। गाउची का मतलब होता है गोश या भद्दा। कीवर्ड है इसका गोश। एग्जाम्पल, गोश्त खाने वालों का शरीर भद्दा हो जाता है। यूज ए गाउची मैनर। सिनोनिम्स इसका होगा क्रूर एंड हॉल्टिंग, एंटोनिम्स ग्रेसफुल एंड पॉलिश्ड। ग्रेसफुल एंड पॉलिश्ड। वर्ड नंबर 12, इम्बाइब। इम्बाइब का अर्थ होता है आत्मसात करना। इम्बाइब, बाइब से बना है बाइबल। बाइबल क्या होता है, इन्होंने बाइबल को आत्मसात कर लिया, मतलब पूरे अच्छी तरह से क्या करा उसको, अब्जॉर्व कर लिया, अच्छी तरह से उसको समझ लिया। आत्मसात का मतलब होता है उसको अच्छी तरह से आत्मा के अंदर बिठा लेना, मतलब अच्छी तरह से किसी चीज को याद कर लेना। जैसे कोई भी आप फॉर्मूला याद करते हैं, मैथ का फॉर्मूला, तो आप क्या कर रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं अपने अंदर, उसको आत्मसात कर रहे हैं अपने अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका सिनोनिमस होगा एब्जॉर्ब एंड साइप। एंटोनिमस इसका होगा एब्सटेन एंड फास्ट। वर्ड नंबर 13 है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है इशारा करना। की वर्ड है इसका इम्प्लाई गेट। इम्प्लाई ने गेट की ओर इशारा करा। एम्प्लॉय ने क्या करा, अपने मालिक को गेट की ओर इशारा करा। इम्प्लाई गेट। इम्प्लाई गेट का मतलब क्या होता है, इशारा करना। सिनोनिम्स इसका होगा इम्प्लाई एंड हिंट। एंटोनिम्स इसका होगा गार्ड एंड हाइड। वर्ड नंबर 14 है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है जिसका वर्णन, जिसका एक्सप्लेनेशन ना किया जा सके। कीवर्ड है इनका ऑफर। एग्जाम्पल, इनका ऑफर इज एबल है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यूजफुल है इसका इनएफेबल जॉय। सिनोनिम्स इसका होगा आइडियल, डिवाइन। एंटोनिम्स डेफिनेबल एंड अटरेबल। वर्ड नंबर 15, रेपिसियस। रेपिसियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी, जिसे हम बोलते हैं ग्रीडी। सिनोनिम्स इसका होगा ग्रीडी एंड रेवेन्यूस। एंटोनिम्स सेटिस्फाइड एंड काम। वर्ड नंबर 16, रेवरबिरेट। रेवरबिरेट का मतलब होता है प्रतिध्वनि। एग्जाम्पल है इसका रिवर बार। एग्जाम्पल, रिवर में बार बार आप जो बोलते हैं वह प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगर आप तालाब में जाकर के वहां पे बोलोगे तो क्या होगा, आवाज में काफी इको होगा, आवाज काफी क्या करेगी, गूंजेगी, तो उसको बोलते हैं रिवर बिरेट। रिवर पे अगर आप चिल्लाएंगे तो आवाज क्या होगी, बिरेट होगी, प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगी। एंड सिनोनिम्स इसका होगा इको एंड रिएक्ट। एंटोनिम्स इसका होगा क्वाइटिन एंड काम। वर्ड नंबर 17 है
रोजेट, रोजेट का मतलब होता है गुलाबी। रोज कैसा होता है? गुलाब। रोज का हिंदी अर्थ क्या होता है? गुलाब। कीवर्ड है इसका रोज का मतलब गुलाब, ईट का मतलब खाना, गुलाबी। वह प्रत्येक दिन रोज ईट करता है इसलिए गुलाबी हो गया है। रोज ईट का मतलब क्या होता है? गुलाबी। रोज का मतलब क्या होता है? रोज का मतलब गुलाब, गुलाब से मतलब गुलाबी, रोज ईट का मतलब गुलाबी। सिनोनिम्स का होगा ब्राइट एंड पिंक, एंटोनिम्स डार्क एंड ग्लू। वर्ड नंबर 18 है आपका वर्टिब्रेट का मतलब होता है हड्डी वाला जानवर, जिसके अंदर हड्डी होती है। हड्डी वाले जानवर को क्या बोलते हैं? हमको हम लोग वर्टिब्रेट। कीवर्ड है इसका वीर तो बारात। एग्जांपल, वीर लोग तो बारात में हड्डी वाला जानवर ही लाते हैं। सिनोनिम्स इसका इसका होगा पेट एंड बीस्ट। एंटोनिम्स उसका होगा मिनरल एंड प्लांट। वर्ड नंबर 19 एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्याग करना। कीवर्ड है इसका अबजोर। अबजोर क्या? अबजोर से कहकर उसने शपथ पूर्वक त्याग किया। कोई इंसान अपनी पोस्ट से काफी परेशान था, अपने सीनियर से काफी परेशान था, गुस्से में आकर उसने बोल दिया मैं शपथ खाता हूं, मैं इस पद से त्याग देता हूं। तो उसने क्या करा? एब्ज्योर करा। सबके सामने उसने शपथ पूर्वक त्याग दिया। वर्ड नंबर 20 है आपका सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अपकेंद्रीय। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अपकेंद्रीय। सेंटर में ही अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है। जैसे कोई चक्री घूमती है इस तरह से, तो सेंटर में इसका क्या लगेगा? अपकेंद्रीय बल। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल। ये साइंस का वर्ड है, ये आपको पता होगा। वर्ड नंबर 22 है आपका डेटोनेशन। डेटोनेशन का मतलब होता है विस्फोट, धमाका, बॉम्ब ब्लास्ट, बूम या फिर बैंड। कीवर्ड इसका होगा डेटोनेशन। एग्जाम्पल, किसी भी डेट को हमारे नेशन में विस्फोट हो सकता है। वर्ड नंबर 23 है आपका स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब होता है छुटपुट। एग्जाम्पल है इसका इस पूरे। एग्जाम्पल, इस पूरे डेक में छुटपुट घटनाएं घटती रहती है। इस पूरे देश में क्या होती है? स्पोरैडिक। इस पूरे, स्पोरैडिक का कीवर्ड है इस पूरे। इस पूरे देश में क्या होती है? छुटपुट, छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं। सिनोनिम्स का होगा फिटफुल एंड रेयर। एंटोनिम्स कॉमन एंड यूजुअल। वर्ड नंबर 24 है आपका स्क्वीमिश। स्क्वीमिश का मतलब होता है अति संवेदनशील। कीवर्ड है इसका स्क्वीमिश। एग्जांपल, स्क्वीमिश अति संवेदनशील है। इसको बोलते हैं डिजी एंड फ्यूजी। एंटोनिम्स रेडी एंड अप अनपिकिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने जो ये सभी वर्ड याद करे, 24 तक ये वर्ड थे, और इसका एक रिवाइज लेसन जो हमने वकैब इस वीडियो में देखी, ये सभी वकैब इस रिवाइज स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रही है। आप इसका हिंदी में अर्थ लिख के देखिए विदाउट एनी चीटिंग। आप देखिए कि आपको कितने वर्ड याद रहे, ठीक है। अगर आपको वर्ड याद नहीं रहे तो इस वीडियो को एक बार दोबारा वॉच करिएगा, ध्यान से दोबारा प्ले करिएगा, और एक एक वर्ड को ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि ये सभी वर्ड जो है आपके प्रीवियस एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं, कंपेयर कर सकते हैं आप, तो कंपेयर करिए। अदरवाइज मैं कंपेयर कर चुका हूँ इस बुक को, और आप देखिए मार्केट में जाकर के इस बुक की सेल कितनी है, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से सभी वर्ड याद करना चाहते हैं, इस बुक को परचेस करिए। अगर आप निमोनिक मेथड के द्वारा वर्डों को याद नहीं करना चाहते, उस बुक को बिल्कुल परचेस मत करिएगा। बुक तभी लाइए जब आप परचेस करने वाले, बुक को तभी परचेस करिए जब आप पूरे ईमानदारी के साथ बुक को टाइम दें और परचेस करें। बुक का ढेर काफ़ी सारे बच्चे लगा लेते हैं, पर एक बुक को भी वो ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो ऐसा मत करिए इस बुक के साथ में। इस बुक के साथ में परचेस करने से पहले अपने आप को प्रॉमिस करिए कि हाँ, इस बुक को मैं परचेस करूंगा, तो इस बुक को पूरी ईमानदारी के साथ खत्म करूंगा, पढ़ूंगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।